समाज के, गलरिया समाज के जो पाल समाज है सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये फायदे लाग है आपको बता दे, जो पाल कॉलोनी है वहाँ को नाम बदल दो गए है। तो अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष हकीम पाल जी से जाना थे कि इतना बड़ा जन सैलाब जो नगर निगम के गेट पे बैठ गए, ना अंदर से आदमी बाहर जा पा रहे ना बाहर से अंदर आ पा रहे। आखिरकार इनकी क्या मांग है? जो मेन मांग है जो पाल कॉलोनी है वहाँ को नाम काय बदलोगा। यहाँ के अधिकारी ने नगर निगम ने भाई साहब से जाना थे कि आखिरकार जो धरना प्रदर्शन क्या है। नमस्कार। जितने जुड़े जो इतने समाज से आप ले आए, काय के लिए ले आए? ये ले आए कि पाल कॉलोनी का नाम बदला जा रहा है नगर निगम से, तो हमारी समाज का एक निशान मिट जाएगा झांसी जिले से कि हमारी समाज का कोई कॉलोनी थी जो कि पहले घंटा से बैठे थे पाल समाज के नगर निगम में। पाल समाज के सभी लोग धरना प्रदर्शन पर, जो कि सदर विधायक रवि शर्मा मौके पे आए, उनने महापौर जी से चर्चा करी और इनकी समस्या को हल होगा। तो अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष हकीम सिंह पाल जी से जानते हैं कि आखिरकार इन्हें किस प्रकार की संतुष्टि मिली सदर विधायक रवि शर्मा जी से। हकीम भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एक घंटा होगा तो बैठे बैठे जमीन पर हो गया था, खूब पब्लिक ले आते हैं, मोड़ी मोड़ा सब बटोर ले आते समाज के। धन्यवाद विधायक जी का और धन्यवाद मेयर साहब का, इन्होंने वो नाम नहीं बदला है पाल कॉलोनी का, दूसरी जगह पे नाम अपना प्रस्ताव जो था उसका पार्षद का वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो धन्यवाद देते हैं हम उन लोगों का और सभी पाल समाज के युवाओं का, पूरी झांसी की पाल समाज का, कि आकर के इतनी मेहनत की धरना दिया तो सफलता मिली हम लोगों को। जीवन साहब पहले भाई मूर्ति का भी आपका हो गया, उसमें कितनी खुशी है आपको? दो दो तोहफा मिलेगा वो तो पाल कॉलोनी। धन्यवाद मेयर साहब का, उन्होंने पहले मूर्ति लगी हुई थी, अब नाम भी हो गया जीवन शाह तिराहा, अहिल्याबाई होलकर तिराहा। तो धन्यवाद है उनका, मेयर साहब का।